भजनों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने गाय गौरा चांद जीवे तरी और फिर हरि नाम संकीर्तन के ऊपर हमने चर्चा किया। कल एक पॉइंट और छूट गया कि हरिनाम संकीर्तन जब कोई व्यक्ति करता है तो उनको चाहिए कि कोई ऐसी ट्यून नहीं गानी चाहिए जो कि कोई रिपीट ही ना कर पाए। कई बार आपने देखा होगा ऐसे ट्यून्स गाते हैं कि वो एकदम बहुत ऊंचे स्केल में होती है, या फिर कोई ऐसे ट्यून गा रहे हैं उसमें कोई सरगम गा रहे हैं, है ना, गा 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 रे 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 सा 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 सारे गा 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 गा। ये सब नहीं करना चाहिए। जब हरे कृष्णा कीर्तन या इस्कॉन में जब भी कीर्तन करते हैं तो इस तरह का कुछ भी नहीं गाना चाहिए, गा गा रे 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 सा 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 सा, ये सब नहीं करना चाहिए। या फिर कई लोग ये भी या फिर हरे कृष्णा भी बहुत लंबा कर देते हैं, जैसे कि हा कृष्णा हा, तो ये थोड़ा सा इस तरह से नहीं, क्योंकि हम बहुत सारा समय जो कि हरे कृष्ण महामंत्र में जा सकता था उसको हम वेस्ट करें। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि एकदम से मेलोडियस ना हो, अरे लेट हो गया तो इतना भी, मतलब दोनों का सामंजस्य बिठाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे करते हैं और ये, पर कभी 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 इस तरह का करना ठीक है। जैसे देवी गोविंद महाराज गाते हैं तो वो गाते हैं हरे, तो वो थोड़ा सा कभी ले लेते हैं, तो कभी कभी ऐसा करना ठीक है, थोड़ा मेलेडी के लिए ठीक है। दूसरी चीज, रिपीटेबल हरिनाम संकीर्तन में रिपीटेबल ट्यून्स गानी चाहिए जो कोई रिपीट कर सके पीछे पीछे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसी ट्यून गाई जो कोई गा ही नहीं पा रहा, या फिर कोई ऐसी ट्यून है जो कि कोई समझ ही नहीं पा रहे कि क्या ट्यून है। तो जो लोग गा पाए, रथ यात्रा इत्यादि में भी जो लोग गा पाए वैसा ट्यून उनको गाने का प्रयास करना चाहिए। और रिपीटेबल ट्यून्स गाने चाहिए, हो सके तो जो आचार्यों ने गाया हुआ है वो गा सकते हैं। कुछ एक भजन है जो कि हमारे नवयुगेंद्र महाराज गा देते हैं तो उनका हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वो अमृतसर में उस तरह का प्रचार करने के लिए वो ऐसे गाते हैं तो उनकी हम अपने से तुलना नहीं कर सकते। पर हमको फिर भी कोशिश यही करनी चाहिए कि ऐसी ट्यून्स हम गाएं जो रिपीट कर सके कोई, किसी आचार्य ने पहले गाया हो तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत आलाप नहीं लेना चाहिए, या फिर सरगम बहुत ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। और कई बार तो ये भी कहा गया है कि केवल मृदंग और करताल, जैसे कि मंगल आरती होती है तो मंगल आरती में हारमोनियम बजाने की आवश्यकता नहीं, कई जगहों पे बजता है, पर हारमोनियम इज ए वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट। हमारा जो वैदिक इंस्ट्रूमेंट है वो है करताल और मृदंग। तो मोस्टली तो और भी बहुत सारी चीजें गाई जाती हैं, पर मंगल आरती में मंगल आरती का ट्यून गाना चाहिए। जो ट्यून मंगल आरती में का ट्यून है वो ट्यून उसी में नमो विष्णु पादाय भी गाना चाहिए। कोई फिल्म का कोई ट्यून या कोई और ट्यून जो कि आपने सुना है पर वो ट्यून इसमें नहीं गाना चाहिए। मंगल आरती का ट्यून अलग है, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे नमः ओम विष्णु पदं कृष्णा पृष्ठाया, वो जो ट्यून उसके लिए फिक्स है वो ही ट्यून्स गाने चाहिए। या फिर कोई वरिष्ठ आचार्य या वरिष्ठ वैष्णवों से पूछना चाहिए कि प्रभु जी मैं ये क्या ट्यून हमको गाना चाहिए। कुछ नहीं तो प्रभुपाद का ट्यून आप गा सकते हैं। हर एक भक्त को मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा, गौर आरती इतना याद होना चाहिए और गाने आना चाहिए। आप में से कोई बता सकते हैं? मैं 1 मिनट हाथ नीचे कर रहा हूं।
कितने भक्त ऐसे हैं जिनको गौर आरती याद, कोई ऐसे हैं जिनको, अच्छा मंगल आरती सबसे पहले पूछता हूँ, मंगल आरती किसको किसको याद है? सिर्फ मंगल आरती। बहुत कम भक्तों को याद है ना, सबको याद होना चाहिए मंगल आरती। तुलसी आरती कितने भक्तों को याद है? तो ये बेसिक है कुछ, ये सबको याद होना चाहिए, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गौर आरती, दर्शन आरती, गुरु पूजा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, ये जो भजन है, ओहे वैष्णव ठाकुर, ये सब कुछ भजन और कुछ ये जो आरतियां हैं ना, तुलसी देवी की आरती, वो सब हमको याद होनी चाहिए। तो आपके लिए ये होमवर्क है, आप सारी जो है आरतियां याद करके रख सकते हैं। जो लोग अभी नहीं याद किए, अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कब कब जो है कोई पुश करेगा, तो इसको याद होना चाहिए, सारे भक्तों को ये आरतियां याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक हो गया ट्यून, उसके बारे में मैंने आपको बताया। जिनको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने नहीं आता हो, वो उस समय वहां पर ना प्रैक्टिस करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लेना चाहिए, खुद ही मना करना चाहिए कि हमें नहीं आता बजाने के लिए। कोई नहीं हो तो अलग बात है, जैसे एक बार गाजियाबाद में रथ यात्रा हो रही थी, तो जनार्दन महाराज आए हुए थे, तो जनार्दन महाराज ने मुझे बोला कि तुम मृदंग बजाओ। मैंने बोला महाराज मुझे तो नहीं आता। बोलते ट्राई ट्राई, तो महाराज ने बिल्कुल भी मुझे नहीं आता। महाराज ने कहा कि सी एंड प्ले, कि भाई इनको देखो और बजाओ ना। तो फिर उसके बाद फिर बजाने लगे, तो दिस इज देयर। ठीक है, तो कभी कभी वैष्णव की कृपा भी हो जाती है, वो अलग बात है। ठीक, तो ये मुख्यतः हरिनाम संकीर्तन के बारे में, और ये सेकंड हमने और चर्चा किया, हरिनाम संकीर्तन जब भी हो, मैंने आपको बताया कि प्रसाद वितरण भी होना चाहिए, अगर साथ में उसके प्रसाद वितरण हो सके तो ये बहुत अच्छा है। और कोई भी दैनिक नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए, जो ट्रैफिक में जा रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, तो कोशिश करना चाहिए कि ऐसे हम जाएं ताकि किसी को कोई, रथ यात्रा है तो वो परमिशन लेते हैं, वो अलग बात है। और किसी भी भक्त को बहुत अभद्र वस्त्र पहन करके नहीं करना चाहिए, तो कोई हाफ पैंट पहने हुए हैं, या फिर कोई कोई माताएं हैं लेकिन वो साड़ी या ये पहन रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत अभद्र तरीके से पहन रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा गॉडी मेकअप करके, इससे हम अपनी भी चेतना दूषित करते हैं, दूसरे की भी चेतना दूषित करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा मेकअप करके, बहुत ज्यादा करके रथ यात्रा में जा रहे हैं। अब लोग भगवान जगन्नाथ को देखें कि ये मिस वर्ल्ड को देखें, तो इसके लिए बहुत ये हम आध्यात्मिक उसमें जा रहे, हमारी ही शादी है तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज जो है बहुत ज्यादा ये करके, बहुत ज्यादा करके जाते हैं। फिर आजकल वो चले हुए हैं, आपने देखा होगा, वो एक ही ट्यून गाते हैं हमेशा, वो तो बहुत चले हुए, और गिटार विटार लेकर के खड़े हो जाते हैं। तो उसमें भी देखा है कि कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि बाइसेप्स ट्राइसेप्स लेकर के इस तरह के, और बहुत अलग तरीके का जो है कपड़े पहनते हैं, कोई गोटेदार यहाँ पे बांध रहा है कोई, तो इससे जो है वैष्णव वैराग्य वाला मूड जो है वो प्रोपगेट नहीं। अब आजकल के सिनेरियो में अलाउ कर देते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि कई बार अच्छा गा रहे हैं, या हो सकता है विदेशी हैं, चेतना उतना, लेकिन जो सामान्य वैष्णव का परिभाषा है वो क्या है, उसका सर छोटे बाल रहते हैं, अगर गृहस्थ आश्रम है तो छोटे बाल है, और अगर ब्रह्मचारी या संन्यास आश्रम में है तो, या वानप्रस्थ आश्रम में है तो फिर हेड शेव है और शिखा है। तो
और कई बार ऐसा होता है कि बहुत जुल्फ बहुत बड़ी बड़ी होती है, वो भी ऐसे 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 कर रहे हैं, और फिर माताएं देख करके अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार यही वो प्रभु जी हैं जो हमारे जीवन साथी बनेंगे, इनके पास बैठने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो वो जो है उनको इम्प्रेस करना और एक दूसरे को इम्प्रेस करने में कृष्ण नहीं इम्प्रेस होते। एक बार उपभरण नाम के एक गंधर्व थे जो कि रंभा या किसी अप्सरा से गा रहे थे, भगवान के गीत गा रहे थे, लेकिन देख रहे थे उनको कि उनको इम्प्रेस कर। तो ये जो इम्प्रेस करने का जो मेंटेलिटी है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग जो है इसलिए भी मृदंग बजाते हैं कि डोले शोले दिखें, तो डोले दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि ये एक डिवोशनल ऑफरिंग है, भक्त भगवान सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं कि हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, और हम लोग सब कुछ कर कैसे रहे हैं, भगवान पे निर्भर होकर के कर सब कुछ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा कुछ भी है नहीं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमको हरिनाम संकीर्तन करते समय इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कोई एक व्यक्ति जो है, कई बार छोटे बच्चे होते हैं वो इधर उधर जाने लगते हैं, उनको बचाना चाहिए। और जो कई बार कुछ भी कोई भी भक्त कोई भी लेकर के माइक कुछ भी बोलने लगता है, तो ऐसे चीजों से सावधान रहना चाहिए कि कोई जो है इधर उधर की कुछ बातें ना कह दे। तो और हरिनाम संकीर्तन के जो और विशेष रूल्स रेगुलेशंस है, तो आप इसके लिए एक जो अच्छा एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो ये कई कई और भी चीजें होती, जैसे कि कुछ लोगों ने बोला निताई गौरांगो निताई गौरांगो, है ना, नहीं और भी बहुत सारी, तो कभी कभी इसको गा सकते हैं, हमेशा नहीं गा सकते। जो वैदिक तरीका है उसका पालन करना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद ने जब किसी ने ये स्टार्ट किया तो प्रभुपाद ने मना किया, प्रभुपाद ने कहा कि दिस इज नॉट आवर मंत्र। तो ये सब जो है थोड़ा सा इसके लिए कीर्तन स्टैंडर्ड्स का एक सेमिनार हुआ है, हिज होलीनेस जयद्वैत स्वामी महाराज के द्वारा। तो ये आप कीर्तन स्टैंडर्ड्स के लिए जयद्वैत स्वामी महाराज ने इसका सेमिनार लिया, और एक ये बुक भी है, ये श्रील प्रभुपाद कीर्तन स्टैंडर्ड्स। तो ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो ये आप इसको देख सकते हैं, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स टू डू कीर्तन इन इस्कॉन। तो इस तरह के लड़कों को या इस तरह की माताओं को जो कि बहुत ही जो सहज तरीके से नहीं है, बहुत ही अलग तरीके से दिख रहे हैं, तो वो चीज इस तरह से करना वो ठीक नहीं रहता है। और कोई ऐसे हैं जो जुल्फ लटकाए हुए हैं और बहुत मतलब लड़के भी बहुत मेकअप करके कट वो पहना हुआ है कि भाई हमारा जो है बाइसेप्स कलरफुल कपड़े पहन रहे हैं, तो फिर उससे वैराग्य उतना द्योतक नहीं होता है। तो फिर क्या होगा, लोगों को लगेगा कि भाई ये तो बढ़िया तरीका है इम्प्रेस करने का माताओं को, बढ़िया गाओ, गला वाला साफ रखो और बाइसेप्स ट्राइसेप्स अच्छे रखो, माताओं को ये समझ में आएगा कि चलो ये हर चीज कर लेगा लड़का, तो लड़की पसंद कर लिया। मतलब अगर ये यहाँ पर ये अपना प्रेम प्रसंग करने के लिए थोड़ी आने, कृष्ण प्रसंग सुनने के लिए आ, है ना। नहीं एक बार एक भक्त ने एक मेक्सिको की माता जी के साथ गोपाल कृष्ण महाराज के पास गए और उन्होंने कहा कि महाराज हम विवाह करना चाहते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, महाराज ने कहा कि ओ यू बोथ विश टू मैरी, ओ वेरी गुड वेरी, वेर डिड यू मीट, कहाँ आप लोग मिले। तो उन्होंने कहा कि हम वृंदावन में मिले महाराज। तो महाराज ने कहा ओ यू गो टू वृंदावन टू डू दीज थिंग्स, तुम वृंदावन जाते हो ये सब करने के लिए।
आपस में शादी ब्याह कर लिया। ऐसे ही मैंने देखा कई सेंटर्स में लोग आपस में ही शादी ब्याह कर लेते हैं। तो उसमें फिर जो अगर अथॉरिटी डिसाइड करती है या कुछ ऐसे होता है उसमें भी इस तरह से करना, क्योंकि अभी प्रभु जी माता जी बोल रहे थे तो वो जो है थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं रहता है। ये साथ में आपस में लोग फिर यही समझने लगते हैं कि अच्छा ये तो प्रेम प्रसंग वाला सिस्टम है, यहाँ पे बढ़िया है, अपनी अपनी माता जी अपना अपना प्रभु जी सेलेक्ट कर लो, ये मेरी वाली ये उनकी वाली, ऐसे मेरी बंदी उसकी, ये करने के लिए हम कॉन्ग्रिगेशन क्लास में नहीं जाते। इसलिए पुना वगैरह में सिस्टम है कि माता जी प्रभु जी के बीच में एक साड़ी लगा देते हो, है ना, दो साड़ी लगी होती है, उसमें से जो लेक्चर वाले होते हैं वो जाते और इधर उधर, ताकि ये चीज नहीं स्टार्ट होना चाहिए, और दोनों साथ में सेवा करें। भाई जब साथ में बैठ रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं तो वो इम्प्रेस करने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, तो ये सब चीजें भी संकीर्तन में कई बार आ जाती है। इसको भी नहीं, इसको ध्यान देना चाहिए कि ये सब ना हो जाए लोग इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि वो बहुत आध्यात्मिक जो चीज है वो एकदम दो कौड़ी की चीज हो जाती है अगर आप इस तरह से करते हैं तो। बिल्कुल स्पिरिचुअल चीज एकदम दो कौड़ी की चीज हो जाती है, और कुछ समय के बाद उन दोनों को भी समझ में आ जाता है। मैंने देखा ऐसे लोगों को, उन दोनों को भी समझ में आ जाता है, जो इतने देर से अभी कीर्तनों में नैन मटक्के कर रहे थे वो सबको भी समझ में आ जाता है कि ये देह से जितना हम सोच रहे थे उतना सुख हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। वो सोच रहे थे कि अब एक दूसरे के शरीर का दोहन करके बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा, उससे ज्यादा आनंद आपको इस बीबी गोविंद महाराज जी के कीर्तन में बैठ करके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे, वो शारीरिक संबंध से ज्यादा आनंद उस कीर्तन में है, तो इसलिए उनको भी समझ में आता है फिर धीरे धीरे। तो ये आपको मैं पीडीएफ ये भेजूंगा डांस करने का, सारे जो इसके हैं क्या तरीका है। तो इसमें बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, मैंने एक शॉर्ट में आपको जो मुख्य मुख्य चीजें हैं बताई हैं, और इसमें शिला प्रभुपाद की एक कोट है, तो ये जो है थोड़ा बहुत ये मैं आपको शेयर करूंगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं। कौन कौन से सॉन्ग्स गाने चाहिए, तो एक तो हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, हरे कृष्णा कीर्तन कर सकते हैं, कृष्णा 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 हे रामा 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 वाला जो राम राघव वाला है ये गा सकते हैं। फिर उसके बाद गुरुवाष्टकम का जो मेलेडी है वो स्ट्रिक्टली वो ही रहना चाहिए। फिर और निताई गौर राधे श्याम इत्यादि ये सब नहीं गाना चाहिए। और जो भक्त गा रहे हैं वो धोती कुर्ता में गाएं तो बहुत अच्छा है, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर, और वो वैष्णव तरीके से हो। कई बार वो ऐसे ड्रेस अप होते हैं कि लगता नहीं है कि वो वैष्णव है, वो मटेरियलिस्टिक लगता है। ये मालूम है उनका हृदय बहुत स्वच्छ है, हो सकता है कि ऐसे भक्त जो हों वो बहुत हृदय से स्वच्छ हों, लेकिन क्योंकि उनके क्रियाकलाप माताओं को इम्प्रेस करने वाले प्रतीत हो रहे हैं, ऑल्दो है नहीं, तो इसलिए भी उनको जो है इंकरेज नहीं किया था। एक बार ये आजकल चले हुए हैं, दो लड़के हैं वो बहुत फेमस हुए, हरे कृष्णा हम आपको ले चल रहे हैं जगन्नाथपुरी, ऐसे करके वो बताते हैं। दो लड़के हैं गोरे गोरे से, बड़ा अच्छा लंबे हैं और बड़े फेमस हैं ये बताने के लिए। तो वो आए पूना मंदिर में कि भाई ट्रेनिंग करनी है, तो यहाँ पूना में कहा भाई सबसे पहले तो आपको ये जीन्स छोड़ो, आप जीन्स नहीं पहनना है आपने। तो उन लोगों ने, प्रभु जी हम तो ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, हमें तो जीन्स पहनना ही तो उनका, क्योंकि अभी उनका लक्ष्य जो है, अब फिर क्या होता है कि कई सारे, अब फिर एक दिन मुझे एक माता जी जो कि मेरे ही मतलब रिलेशन में है, उसने मुझे बताया कि
वो जो है रात भर चैटिंग कर रहे थे उससे वो चैटिंग कर रहे थे, वो सोच रही है डिवोटी है, और उसने मुझसे कहा कि क्या इनसे विवाह कर सकते हैं। मैंने बोला जो रात भर चैटिंग कर रहा है तुमसे, पहले तो तुम भी बंद करो ये चैटिंग। तो वो भक्त नहीं थी इतना ज्यादा तो ठीक है, पर जो तुमसे रात भर चैटिंग कर रहा है वो क्या मंगल आरती करेगा, वो क्या करेगा, तुम उससे ज्यादा उससे विवाह करने से क्या ही फायदा। युवती था नहीं, इससे अच्छा किसी मेटलिस्टिक व्यक्ति से विवाह करो कम से कम इनको इतना वैल्यू नहीं, किसी उससे विवाह करो वो धीरे धीरे भक्त बन जाएगा कम से। एक आईएएस है उनसे, उनका विवाह हो गया ठीक है। तो मैं कुछ स्टैंडर्ड से आपको बताया ताकि आपको थोड़ा मतलब भान रहे है ना, कैसे होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स हैं कीर्तन वगैरह के क्या। ये तो हम अपने तरफ से ही कुछ कर रहे होते हैं और हम बहुत इम्प्रेस भी हो रहे होते हैं ऐसे लड़कों से, ऐसे माताओं से कि जो कि इस तरह से कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस करने का। इट्स नॉट अबाउट इम्प्रेसिंग विथ योर लैक में ब्यूटी, इट्स नॉट अबाउट थ्रोट ऑल्सो। कई लोग गला बहुत मीठा है तो वो गाते हैं तो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, स्टार्टिंग के लिए अच्छा है, पर जो भी वरिष्ठ भक्त हो वहां पर उनको गाने के लिए देना चाहिए और ये समझना चाहिए, चाहे बेकार गा रहे हैं जो भी गा रहे हैं, लेकिन अगर लोगों को बहुत इम्प्रेस करने की बात नहीं तो ये ज्यादा शुद्ध है, क्योंकि उन्होंने मूवमेंट में ज्यादा साल बिताए हैं और भक्ति में हमसे श्रेष्ठ। ठीक है, तो कुछ फिर से आज मैंने थोड़ा हरिनाम संकीर्तन के बारे में ही थोड़ा चर्चा किया, तो इसमें और ये बोल रहे हैं कि सॉन्ग्स रिटन बाय आचार्यास, वो ही गीत गाने चाहिए आचार्यों के द्वारा। कई बार कुछ गीत जो कि आचार्यों ने गा दिए हैं कोई एक, तो वो हम गा लेते हैं, है ना। नहीं, जैसे फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, इसको हमारे लोकनाथ महाराज जी ने गा दिया है। एक भजन है हरि सुंदर नंद मुकुंदा, वो हमारे लोकनाथ महाराज ने गा दिया, तो जब वो गा रहे तब फिर एक बार को थोड़ा हम गा भी सकते, पर बहुत ज्यादा नहीं गा सकते। और
हरे कृष्णा प्रभु जी तनो प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी तनो। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी डॉक्टरों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं यहाँ पे मुझे ट्रैवल करना है, तो थोड़ा मैं अभी अभी नहीं ले पाऊंगा। इसको अभी हम यहीं पर क्लोज करते हैं।